अब तो रुझान भी फीके पड़ जाएंगे क्योंकि जनता ने अपना जनमत दे दिया है और थोड़ी देर में निर्णय आने वाला है। ये बीच का पड़ाव खत्म हो गया है और ये खत्म होने के बाद हम जनता का धन्यवाद करते हैं कि जनता ने शांतिपूर्वक रूप से जो है अपने मत का प्रयोग किया और मतदान बदलाव के पक्ष में दिया और बदलाव का पक्ष जो है टिहरी संसदीय सीट नंबर एक से शुरू होगा और दिल्ली तक बदलाव होगा। केंद्र में जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उसमें जो है टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी जो उम्मीदवार हैं जीत कर जाते हैं तो उनको जो है कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपको लग रहा है कि उत्तराखंड समेत देश भर में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, कांग्रेस आगे होगी? हाँ, कांग्रेस लीड कर रही है। इंडिया अलायंस का जो है डेफिनेटली सरकार बनने जा रहा है और ये एक मतलब जनता ने तो जनमत दिया लेकिन लोगों का चारों तरफ से जो है अधिकारी कर्मचारी तमाम लोग जो हैं इस बात को मान चुके हैं तो हम तो जनता को बधाई देंगे। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उन्हें किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उसमें इंडिया आगे चल रहा है, इंडिया का भाई एग्जिट पोल को तो हम क्या कहें, अब थोड़ी देर में सब कुछ साफ होने वाला, अभी भी एग्जिट ही पे जाओगे क्या, इतना पसीना निकाल रहे हैं लोग बाग हैं। तो हम तो बधाई देने आए हैं कि भाई पांचों सीट कांग्रेस की निकल रही है उत्तराखंड में और जो एग्जिट कर रहे हैं ना उत्तराखंड में 6 सीट दिखा रहे हैं, कहां वो एग्जिट चला गया, तमिलनाडु में 8 सीट पर लड़ रहे हैं, 13 सीट दिखा रहे हैं, क्या है, व्हाट द हेल, कुछ नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।